नमस्कार दोस्तों, खमा गणेशा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं वीडियो कल का जहाँ ख़त्म किया था वहीं से शुरू करूँगी, क्योंकि कल के वीडियो में मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा पाई थी कि हम क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ घूमे थे। तो यह है रास्ते का व्यू, जो कि मैं कल के वीडियो में पूरा आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी के बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि अभी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप सब कमेंट करोगे। तो चलो फटाफट से चलते हैं और शिप के अंदर जाके देखते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं और सभी को बहुत ही ज़ोर से भूख लगी है, तो सब लाइन बना के खाना खाने के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ बैठ के खा रहे हैं, कुछ खड़े खड़े खा रहे हैं, और कुछ लोग पी भी रहे हैं, यानी खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं सभी लोग। हम सब मिलकर बहुत इंजॉय किया, और चलो वीडियो में बने रहना और देखिए और हमने क्या क्या किया। अभी हम सब ने खाना वगैरह खा लिया है और कुछ लोग नीचे चले गए हैं, वहाँ पे गाने बज रहे हैं और डांस कर रहे हैं। मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है, क्योंकि गानों की आवाज़ से कॉपीराइट आ जाता है इसीलिए। और मैं सोच रही थी कि शिप कितनी दूर जाके रुकेगी, तो बस सोचते सोचते ये जगह भी आ गई है और शिप हमारी रुक चुकी है। हम यहीं पर नीचे उतरेंगे और देखते हैं नीचे उतर के क्या क्या होता है। और यहाँ पे एक लड़की का जन्मदिन था, तो सबने बहुत सारा डांस किया, केक भी कट किया और हैप्पी बर्थडे विश भी किया, खूब सारे इंजॉय किया। तो चलो फटाफट से नीचे उतर के देखते हैं क्या क्या हो रहा है नीचे की तरफ। तो चलो चलिए चलते हैं। तो सब धीरे धीरे नीचे जा रहे थे और मैं तो सिर्फ वीडियो बनाने में लगी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा चलो फिर लास्ट में आराम से जाएँगे, पहले इनको जाने दो, हड़बड़ी में नहीं जाएंगे जल्दबाजी में कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। पीछे से जाएंगे तो आराम से जाएंगे। वो देखो पीछे भी मेरी तरह कुछ लोग बैठे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि आराम से नीचे जाएंगे। तो अब हम सब नीचे आ गए हैं और ये कोट सा पहन लिया है ताकि पानी में ना गिरे। मुझे नहीं पता कि इनसे इतना बचाव होता है क्या, ये कैसे रोक सकता है पानी में गिरने से, पता नहीं, फिर भी ये पहना दिया गया है। तो चलो खूब सारा एंजॉय करते हैं, यहाँ पे बने रहना वीडियो में। तो अब सब हम बैठ गए हैं जहाज़ के अंदर और बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं तो डर रही हूँ। युवराज एंजॉय कर रहा है, इन दोनों को डर नहीं लग रहा है,
लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो मैंने तो थोड़ा सा वीडियो बनाया था फिर बंद कर दिया था क्योंकि फ़ोन ही छूट रहा था डर के मारे। लेकिन युवराज बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। यह जैसे ही जहाज़ गोल घूमती है ना, तो ऐसे लगता है कि यह उल्टी पड़ने वाली है, तो इसकी वजह से मुझे डर लग रहा था। तो मैं भाग के बार बार युवराज को पकड़ रही थी, लेकिन युवराज तो बोल रहा था मम्मी मुझे छोड़ दो, मैं नहीं गिरूँगा। और कुछ लोग तो ये बाइक जैसी होती है ना, इस पर भी बैठे थे। ये तो बहुत ही स्पीड में चलती है, तो मुझे बहुत ही डर लगता है, तो मैंने तो बैठने से मना कर दिया है। और युवराज को भी मैंने नहीं बैठने दिया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी से वैसे तो। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो एक लाइक, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।